फरवरी को सुजाता के पास उनके पति मेजर सतीश दहिया का फोन आता है कि आज कहीं जाना मत, मैंने तुम्हारे लिए कुछ पार्सल किया है। सुजाता बेहद खुश थी क्योंकि पहली बार उनके पति ने उनके लिए कुछ भेजा था। इससे पहले भी भेजा था लेकिन 2 साल की बेटी प्रियाशा के लिए। सुजाता पार्सल आने का इंतजार करती हैं। उधर मेजर सतीश हंडवाड़ा, जिसे उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास जो आतंकवादियों का गढ़ कहा जाता है, वहां 13 राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे। तभी मेजर साहब को एक मुखबिर से कुछ कट्टर पाकिस्तानी आतंकवादियों के ठिकाने की सूचना मिलती है। ये वही आतंकवादी थे जिनकी तलाश उनकी यूनिट और दूसरे कई यूनिट कई सप्ताह से कर रहे थे। ये आतंकवादी समूह उन माहिर आतंकवादियों की यूनिट में से एक था जिन्हें पाकिस्तान द्वारा उस साल भारत भेजा गया था। दरअसल ये जैसे मोहम्मद के खूंखार आतंकी अफजल गुरु स्क्वाड था। वे यूं ही घुस आने वाले घुसपैठिए नहीं थे, बल्कि ऐसे आतंकवादी थे जिन्हें कमांडो की तरह ट्रेनिंग दी जाती थी, जिस कारण वो शारीरिक रूप से तो कठोर थे ही, साथ ही उन्हें ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि सुरक्षा बल जब उन्हें ढूंढ रही हो तो उन्हें कैसे चकमा दिया जाए। अलग भाषा में कहा जाए तो इन लोगों ने लड़ाई को छल कपट का जामा पहना दिया था। वैसे भी किसी आतंकी को हल्के में लेना ठीक नहीं, फिर ये तो अफजल गुरु स्क्वाड के लोगों की बात थी। मेजर सतीश मामले को गंभीरता से लेते हुए अपनी टीम के साथ चल पड़े। सेना की जिप्सी में बैठे हुए सतीश उस योजना पे काम कर रहे थे जो उनके सामने आने वाली थी। अगर वो सुजाता से पार्सल के बारे में पूछना चाहते भी तो उनके पास इसके लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। दूसरी ओर जयपुर में सुजाता पार्सल न आने से बेचैन थी। सुजाता सोच रही थी कि आखिर अब तक पार्सल आया क्यों नहीं। शाम हो गई, सतीश ने तो दोपहर तक आने को बोला था। उधर मेजर साहब और आरआर के सीओ कर्नल राजीव दोनों ही हाजीन कराल गुंड गांव, ये वो गांव था जहां आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, वहां 30 आरआर की टुकड़ी के साथ पहुंचते हैं और उस घर की घेराबंदी करते हुए मेजर बहादुरी से आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तभी घर में छिपे खूंखार आतंकी ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभालते हुए फायरिंग की। दोनों तरफ से भारी गोलाबारी होती है, जिस दौरान आतंकियों की एक गोली मेजर सतीश दहिया के सीने में जा लगी। लेकिन इसको अनदेखा करते हुए मेजर सतीश दहिया ने आगे बढ़ते हुए एक आतंकी को ढेर कर दिया। दूसरी ओर सुजाता की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वो सोच रही थी कि मात्र पार्सल आने से उसे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। वो फिर से सतीश को फोन मिलाती है लेकिन सतीश फोन का जवाब नहीं दे पाते हैं। मेजर के जेब में साइलेंट पर रखा फोन लगातार बज रहा था, लेकिन इन सब से बेखबर मेजर साहब आतंकियों का खात्मा करने में लगे थे। उन्हें 3 गोलियां लग चुकी थी जिसके कारण उनके शरीर से खून बह रहा था। इसके बावजूद भी बहादुर शेर ने बगैर लड़खड़ाए 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। शरीर से अधिक खून बह जाने के कारण मेजर सतीश बेहोश हो गए। जख्मी अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही बलिदानी हो गए। इधर सुजाता फोन का जवाब न मिलने से काफी बेचैन थी, हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी जब सतीश ऑपरेशन पर जाया करते थे तो फोन नहीं उठाते थे, लेकिन ना जाने क्यों आज उनकी बेचैनी इतनी बढ़ती जा रही है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सुजाता दरवाजा खोलती हैं तो एक आदमी हाथ में फूलों का गुलदस्ता और एक लाल रंग का पैकेट लिए खड़ा था। ये वही पार्सल था जिसका सुजाता सुबह से इंतजार कर रही थी, लेकिन पार्सल को देखकर भी उनका मन शांत नहीं हुआ। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। वो पैकेट लेती हैं और अंदर जाकर खोलती हैं। उसमें एक दिल के आकार में केक और कुछ मोमबत्तियाँ रखी होती हैं, जिसको टेबल पर रख सुजाता काफ़ी देर तक निहारती हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। सुजाता सोचती हैं शायद सतीश ने फ़ोन किया है। वो भागकर फ़ोन उठाती हैं, लेकिन ये फ़ोन कॉल सतीश का नहीं बल्कि कर्नल राजीव का था। आपको बता दें कि मेजर सतीश दहिया का जन्म 22 सितंबर 1985 को हरियाणा के बनिहारी गांव में हुआ था। वे 2008 में सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुए थे। 2009 में उन्हें बहादुरी का पुरस्कार मिला था।
फरवरी 2011 में उनकी शादी सुजाता चौधरी के साथ हुई थी और 2012 में प्रमोशन पाकर वे मेजर बने। कर्नल राजीव बताते हैं कि मेजर सतीश को आराम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनकी तबीयत खराब होती थी तो वो आराम नहीं करते थे। वो अक्सर कहा करते थे, मेरे लिए आराम हराम है। नमन है ऐसे वीरों को जो देश सेवा में अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे देते हैं, जिनके लिए देश सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। शिवालिक जर्नल ऐसे वीरों को नमन करता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।